सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोस की अपडेट। मुझे भाषा तो कुछ नहीं आता था, लेकिन मेरे उस्तादों की एक खाने का उनका जो मुंह का निवाला है वो निवाला मैं खा लिया करता था। तो अल्लाह ने इतना नवाजा कि मैं हर क्लास में एक नंबर आने लगा। क्या वजह से? उस्ताद का मर्तबा। दिन भर उनके टेबल पास खड़े रहना, फिर क्या है तुम बोलो, मैं हाजिर हूँ। कहते हमारे कुछ बच्चे हैं कमज़ोर है पढ़ाई में, आया नहीं है वगैरह बच्चे, लेकिन ये बच्चे हमारे पास खड़े रहते, क्या कहना है सर बोलो, हम करने को तैयार है। तो ये बच्चे जो है बड़ा मुकाम हासिल करते हैं। तो प्यारे बच्चों ध्यान में रखो, ये जो टी शर्ट डे बना रहे तुम, ये टी शर्ट डे बनाना नहीं है बल्कि उस्तादों का कहना भी सुनना है। फिर एक पेन ले लिए, सत्कार कर लिए, ये कर लिए, लेकिन उस्ताद की जो बातें उन पर अमल करो। हमारे यहाँ मेहमानों से हम ये गुजारिश करेंगे कि भाई हमारे जो है फिर हमारी जो समस्या है हमारे स्कूल की आप देख रहे हैं, तो ये समस्या पे हमारे ध्यान दो, परेशानी है हमारा स्वागत कर देंगे तो एक दिन के लिए, लेकिन हमारे पीछे जो है आप मजबूत बन के खड़े रहो ताकि हम बच्चों को जो हमारे गांव के नौजवानों को कुछ दे सके। नहीं तो अगर हमारा माइंड अगर डिस्टर्ब रहा तो हम इनको कुछ नहीं दे पाएंगे, और ये कल के पूछेंगे हमसे कि तुमने हमको क्या दिया। तो इसके लिए हमारे यहाँ पर गांव के मौसी हजरात से गुजारिश करते हैं कि जो भी स्कूलों में जो परेशानियाँ मुसीबतें जो उलझने हैं, ये आकर टीचरों से मिलो, उनसे मुलाकात करो, और हमारे से बच्चों के लिए हमारा यहाँ पर हम जब यहाँ पर आ जाते हैं तो हम सब भूल जाते हैं, हमारा घरदार भूल जाते हैं, सब भूल जाते हैं, सिर्फ हमारे बच्चे और हमारे ये 5 घंटे जब रहते हैं हम यहाँ पर, तो 5 घंटे में क्या देते हैं हमारा अल्लाह जानता है। तो यही हमसे गुजारिश है कि हमारी जो हमारे जलाल भाई से यहीं पर हमेशा रहते हैं, हमसे जो कुछ शेयर करते हैं कोई बातें, तो जलाल भाई से ये कहना है कि आपके यहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, ये बच्चे जब हमारे पास से जाएंगे तो हमारा ये फ़र्ज बनेगा कि हम उनको क्या देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। और ये एक उस्ताद का एक ये होता है कि उस्ताद कभी भी अपने बच्चों के लिए ये चाहेगा कि बच्चा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और वो उस्ताद पास से निकलता है, जो हमारे कदीर भाई ने बोले भी है ना कि उस्ताद पास से ही डॉक्टर बनेगा तो उस्ताद होना उसको ज़रूरी है, इंजीनियर बनेगा तो उस्ताद। एक घरेलू इंसान जो बिजनेस करता है सादा, लड़कियाँ जो खाना वगैरह पकाती है सब, तो अगर इनको तालीम ना मिले तो ये सही तरीके से अपना घर का काम भी अंजाम नहीं दे सकती है। तो इसके लिए उस्ताद का रहना बहुत ज़रूरी है। वहाँ भी एक उस्ताद होती है, लेकिन तालीम के हिसाब से जो है हमारे टीचर ही हमारे सबसे बेहतरीन उस्ताद है। तो प्यारे बच्चों हम जो तुम्हारे लिए करते हैं तो ये जो है अल्लाह ने हमको एक वो एजाज़ बख्शा है, तो इसके हिसाब से इसके तरीके से हम जो भी कोशिश है 3 में 5 घंटे हम कोशिश करते रहते हैं, और जाने अनजाने में हमसे जो भी कोताही होती है जाने अनजाने में तो उसके लिए हमको माफ़ करें। हमसे भी गलतियाँ, जब इंसान है हम फरिश्ते नहीं है, बोले हम इंसान है फरिश्ते नहीं है, उस्ताद है लेकिन हम भी इंसान है, तो हमसे भी कोई पढ़ाने में कोताही होती है तो हमको माफ़ करें और हमारी कोताहियों को जो है बता देंगे सर ऐसे हिसाब से गलती हुई थी, तो हम हमारी गलतियों को कबूल करेंगे। तो यही कहते हुए तो मेरे दो अल्फाज बोलकर मेरी जगह लेता हूँ, और सभी से बहुत जवाना गुजारिश करता हूँ कि हमने तुमने हमारा स्वागत किए, हमारे इस्तकबाल किए, हमारे दोनों स्कूल की तरफ से मैं आपका शुक्र अदा करता हूँ। ज़्यादा ना बोलते हुए एक बात बताता हूँ, जब हम जमाने पहले के टाइम में स्कूल में आने से पहले जैसी स्टार्ट होता था तो हमको घर से बोला जाता था बेटा जब स्कूल में जाएंगे तो हमारे बाद मर्तबा उस्ताद का है, मतलब वालिदैन के बाद मर्तबा जो बड़ा मर्तबा दिया गया है उस्ताद का है। तो ये ध्यान में रखकर आप स्कूल आइए, और घर के जो बच्चे हैं दो बच्चे संभाले नहीं जाते, अपने बच्चे जो भी है दो बच्चे संभाले नहीं जाते, और टीचर जो है कोई 100 बच्चे संभालते हैं, 50 बच्चे संभालते हैं, आधा घंटा अपनों से संभाला नहीं जाता। इनकी मेहनत और इनकी लगन और इनका पढ़ाना बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी उपलब्धि है। यही बात करके मैं अपनी जगह लेता हम किसी मकसद से यहाँ पर आए वो आपको भी पता चल गया। आज बोले तो 5 सितंबर बोले तो योम असतज़ा का दिन है, और ये दिन बोले तो बहुत महत्व बहुत बड़ा दिन है। आज अगर आज टीचर्स ना होते तो इंजीनियर ना होता,
डॉक्टर ना होता, कलेक्टर ना होता, और टीचर्स अगर देखा जाए तो एक ऐसी रोशनी है कि जो इल्म के ज़रिए हमारे को मिली है। माँ बाप के बाद अगर दर्जा देखा जाए तो टीचर्स का है। माँ पहला मदरसा है, उसके बाद में टीचर्स ही एक ऐसी शख्सियत है जिसने हमको अदब, तहजीब, इल्म सब सिखाया है। और टीचर की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है। यहाँ पर हमारे टीचर्स जिन्होंने मुझे भी पढ़ाया, हमारे रिजवाना मैडम, मैं इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे जो भी पढ़ाया। मैडम का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पर हमारे मामू जान भी है, जाकिर सर, हमारे नाना जान रुद्दीन सर और दूसरे असद सर। मैं आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज यौम टीचर सीधे है। कहा था कि क्या बात करके शुक्रिया अदा करता हूँ। किसी प्रोग्राम के नाम में शुक्रिया अदा किया जाता है, लेकिन प्रोग्राम में ऐसा मुनासिब समझता हूँ कि इस प्रोग्राम की शुरुआत ही शुक्रिया से ऐसे करना चाहिए कि आज टीचर्स डे है, यौम असातिज़ा है, और ये गांव के जो जिम्मेदारान हैं जिन्होंने इस चीज़ की ज़रूरत को महसूस किया कि वाकई टीचर डे है तो हम टीचरों के दरमियान में जाए, उनका इस्तकबाल करें। ये जितने भी लोग हमारे सामने इस स्टेज पर हाजिर हैं उनका अपना बड़प्पन है। आमतौर पर मैं ऐसा नहीं कि आप लोगों के ऊपर आपकी तारीफ कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो रहा है आज के हमारी समाज में। टीचरों को इज्जत की निगाह से नहीं देखा जा रहा, या फिर जैसे एक रेस्पेक्ट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, जिसकी एक मिसाल तुमने गांव में एक नई तहरीक पैदा की है। एक नई तहरीक लाकर बहुत बड़ी मिसाल समाज के सामने और हमारे अपने डिपार्टमेंट के सामने आपने रखी है। ज़रूर आप लोगों की इस कारकर्दगी को हम हमारे ऑफिसर्स के सामने भी पेश करेंगे। आज के दिन हमारे बच्चों ने हर क्लास में जाकर तैयारी करके दूसरी क्लासों में जाकर बच्चों को पढ़ाया, मतलब ये कि हमारे बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है कि वो दूसरी क्लासेस में जाकर बच्चों को पढ़ाने की सलाहियत दी। आप चाहे कि उस चीज़ों में आते हैं देखते हैं, यहाँ पर बच्चों की हर मुमकिन और तरक्की करने की, हर एतबार से उनकी तरक्की कराने की कोशिश की। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि इन लोगों ने हमारा इस्तकबाल करने के लिए यहाँ से हमें बुलाया। हमने कुछ लिमिटेड हमारी ग्रीटिंग्स यहाँ ला कर रखी है, वो ये आपका जो मकसद है उसको पूरा करने के बाद फिर हम हमारे उन बच्चों के जरिए भी आपके सामने उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बहुत पेश करने की कोशिश करेंगे। आज का जो प्रोग्राम रखा गया है असातिज़ा का इस्तकबाल और उनका इस्तकबाल करने के लिए जो गाँव के जिम्मेदारान यहाँ पर हाजिर हुए हैं उनकी तरफ से जाकिर खान सर का जो है ये इस्तकबाल करने जा रहे हैं। मैं इस मनसूबाबंदी के मुताबिक इरफान भाई से गुजारिश करता हूँ कि वो आए और जाकिर सर का इस्तकबाल करें।
बच्चों ने क्लास में जाकर तमाम बच्चों को पढ़ाया और एक उसके बाद उसका फीडबैक लिया गया कि टीचर किस तरीके से बच्चों को पढ़ाता है और कैसे उसको बच्चों को समझाने में मुश्किल पेश आती है। बाकी उस बारे में बच्चों ने अपनी राय कायम की। मैं कुछ चुनिंदा ग्रीटिंग तैयार किया और ये शेख उसने एक शेर भी लिखा है कि ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं। मैं इस अवसर से गुजारिश करता हूँ कि इन बच्चों ने ये अलग बात है कि खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो बड़े हैं वो बड़े होते हैं। मैं इन बच्चों से गुजारिश करता हूँ कि तमाम हाजिरों के सामने नौनिहालों को कंदीले हरम देता है, बांटता फिरता है रोशनी सूरज की तरह, डूबता है तो सितारों को जन्म देता है। ये बच्चिया आप सब बच्चे जानते हैं आज टीचर डे है और टीचर के मायने क्या होते हैं ये आपको सभी टीचरों ने बता दिया होगा और मैं